सबके साथ मैं और मेरे प्रिय पार्टी के राज्यसभा लोकसभा के सांसद राजमहल क्षेत्र से विजय हांसदा जी भी मौजूद हैं। 6 मई 2022 को अहले सुबह झारखंड में जो एपिसोड शुरू किया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, उसके बाद उसकी जो एंट्री ली गई वो मनरेगा घोटाला जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ था और उसी संदर्भ में कई जगह छापे पड़े, तत्पश्चात कोर्ट में भी ईडी के द्वारा चार्जशीट दाखिल किया गया। लगभग 3 महीने होने को आए और कल पहली बार एक प्रेस नोट, इतने दिनों की कार्रवाई की जारी की गई जो आप लोग के पास भी उपलब्ध है। ये प्रेस नोट जो है शुरू ही होता है माननीय मुख्यमंत्री के जो बरेड विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उनके नाम से, जो अखबारों में भी छपी आज रिपोर्ट है और कल विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में जो दिखाई गई रिपोर्ट है उसमें एकमात्र यदि चित्र किसी का चला है तो वो पंकज मिश्रा का ही है। लेकिन इस नोट को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पंकज मिश्रा एंड एसोसिएट्स लिखा गया। वो कौन एसोसिएट्स हैं, किनके बैंक अकाउंट से कितने पैसे सीज हुए, ये बातें कहीं नहीं है। केवल एक वेग नंबर दिया गया है और कुछ अमाउंट की बात कही गई। हमको लगता है कि ये संपूर्ण जो नैरेटिव ईडी ने बनाया उनका मैलाफाइड इंटरेस्ट है कि गार्निशिंग कीजिए चीफ मिनिस्टर के इमेज को। चीफ मिनिस्टर के प्रतिनिधि का ही केवल जिक्र होता है, बाकी जो लोग भी हैं उनको ना उनकी ना तस्वीर जारी होती है ना उनके संबंध बताए जाते हैं। ये स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो किस नियत से इस राज्य में काम कर रही है, क्योंकि ये हल्का मुद्दा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि कहीं कोई यदि फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज हो, करप्शन हो, तो उसकी जांच जरूर की जाए। लेकिन जांच मैलाफाइड इंटरेस्ट के तहत हो, किसी के आइडेंटिटी के साथ जोड़कर हो, उसके डिफेमेशन के लिए हो, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते।
आखिर और जितने एसोसिएट्स हैं क्या उनकी तस्वीरें नहीं हैं? क्या उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है? और ताज्जुब की बात कही गई कि बैंक अकाउंट में पैसे सीज किए गए 11.88 करोड़। तो बैंक में कोई काला धन जा सकता है क्या? जहां यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाता खुलवाया, काला धन समाप्त कर दिया, वहां बैंकों में कैसे काला धन जाएगा? और जिन लोगों की बात की गई एसोसिएट्स में, वो सभी व्यवसाय कोई 2000 से व्यवसाय नहीं कर रहे, 1980 से भी पूर्व और पुश्तैनी व्यवसाय कर रहे। स्पेसिफिकली इसमें यदि पंकज मिश्रा का नाम लिया जाता है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बोलना पड़ेगा कि पंकज मिश्रा के घर से कितने पैसे रिकवर हुए, उसके अकाउंट में स्पेसिफिक कितने रुपए हैं, उनका आईटीआर क्या कहता है, ये तमाम सवाल आज ईडी को जवाब देने को मजबूर कर रहा है। आप यूं ही एक आदिवासी चेहरे को राष्ट्रपति के रूप में तब प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह दोहरा मापदंड है। हमने पहले भी कहा था कि ईडी का अर्थ हो गया एंड ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए। मेरे साथी सांसद हैं जो उसी जगह का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां के जमीन पर रहते हैं, पूरा ब्यौरा आपको बताएंगे कि साहेबगंज में और पाकुड़ में वस्तु स्थिति क्या है, कितने माइनिंग लीज है, कब कब है, वहां का राजस्व की प्राप्ति कितनी है और वहां के लोगों के साथ किनके किनके संबंध हैं। कुछ तस्वीरें हम लोगों के पास भी, ये तस्वीर दिखा के नाटक करना बंद करें। हम नहीं चाहते किसी के व्यक्तिगत चरित्र पर लांछन लगाना, क्योंकि सामाजिक रूप से रहने वाले लोग के साथ में कोई भी कभी भी कहीं पर भी फोटो खिंचवा लेता है तो वह मानक नहीं स्थापित हो जाता कि कोई किसी का करीबी। ऐसे कई फोटो हम लोगों के पास है, कई नेताओं के यात्रा वृत्तांत है कि किसके घर गए, खाना खाए, किसके स्टीमर में घूमे। ये हम लोगों का चरित्र नहीं है इस प्रकार से बात करना। इसलिए तथ्यों के साथ विजय जी आप लोगों को बताएंगे, फिर आप लोगों से बात करेंगे। विजय जी, सबों को जोहार। और जिस तरह से सुप्रियो दा ने ब्रीफ किया है, मुझे लगता है कि जिस तरह से लगातार लांछन और प्रयास सिर्फ यही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे को किस तरह से धूमिल किया जाए, और टारगेट जो आपका मनरेगा से शुरू होते हुए साहेबगंज तक पहुंच करके और उसके बाद
ईडी का जो भी छापा पड़ा और प्रमुख नाम में माननीय हेमंत जी के प्रतिनिधि, बरहेट विधानसभा के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी का नाम लिया गया, लेकिन अभी तक उनके एसोसिएट्स के साथ जोड़ करके इतना लंबा प्रकरण बनाया जा रहा है, जबकि उनके यहां कितना पैसा बरामद हुआ उसका अभी तक कोई जिक्र नहीं है। रांची में उनके जमीन और उनके फ्लैट का कुछ पेपर्स लिया गया है, जेरॉक्स, जो कि उनके आईटीआर में भी अंकित है और जो उनके अकाउंट में भी पैसे हैं वो भी उनके आईटीआर में अंकित हैं। और जितने भी व्यवसायियों के यहां छापे पड़े उसमें लिंक्स कि एक बड़े व्यवसायी के यहां से लगभग 2 करोड़ रुपया मिला, वो बीजेपी के एमएलसी बिहार से संबंधित, उनसे रिलेशन निकल रहा था। और 2015 से लेकर के 19 तक में 7 से 8 लीजेज जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष को दिया गया, एमएलए पुत्र को दिया, बीजेपी के एमएलए के प्रतिनिधि को दिया गया, बीजेपी के एमएलए कैंडिडेट पाकुड़ को दिया गया और भी बहुत सारे लोगों को दिया गया, जो रघुवर दास के टाइम में, जो आज बोला जा रहा है कि रेवेन्यू का नुकसान किया जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, रॉयल्टी का फ्रॉड हो रहा है, तो आंकड़ों के साथ बात करना चाहते हैं। 2015 से लेकर के 19 तक जो साहेबगंज का हाईएस्ट रॉयल्टी रिकॉर्ड था वो लगभग 79.86 करोड़ हम मान लेते हैं। और जब हमारी सरकार बनी और ये हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ अगर हम मान लेते हैं 80 करोड़, वो आपका 212 लीजेस से आया था, उस दौरान 212 लीजेस थे। और हमारी सरकार जब आई तो मात्र 133 लीज में 2021 में 2021 में 108 करोड़ और 2021-22 में 110 करोड़। इन आंकड़ों में समझना चाहिए कि जब लीज ज्यादा थे उसके बावजूद भी रेवेन्यू कलेक्शन कितना कम था, तो रॉयल्टी और रेवेन्यू की कहां चोरी हो रही थी, यह समझ में आना चाहिए। और हमारी सरकार ने चीजों को कहीं ना कहीं और दुरुस्त किया, तब जाकर के ये रेवेन्यू और रॉयल्टी का कलेक्शन जो है बहुत बढ़ा है। आपका अगर फिर आंकड़ों की हम बात कर ले, 2015 से लेकर 19 तक में 47 लीजेस दिए गए, जिसमें कि 10 से 11 लीजेस जो है बीजेपी के डायरेक्ट एसोसिएट्स को दिया गया। और 2021 से 22, 20 से 22 का अगर हम आंकड़ा लेंगे तो 15 लीजेस जैसे हुए हैं। ये सारा प्रकरण जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं वहां के व्यवसायी को भी बर्बाद कर रहा है, जो असल रूप से आज रॉयल्टी दे रहे हैं उनको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। और रघुवर दास जी के समय में भी जिन कथित नेता बीजेपी के, उनके द्वारा आईएएस ऑफिसर को पीटा जाता है, माइनिंग अफसर वहां पे होते थे अशोक रजक जी, उनको भी पीटा गया घर में घुस करके, केसेस भी उसके रजिस्टर्ड हैं। उन केसेस रजिस्टर होने के बावजूद भी उन बीजेपी नेताओं पे कभी एक्शन नहीं हुई। और बड़े बड़े नेता बीजेपी के वो आकर के वहां पे उन्हीं के साथ फोटो खिंचा करके लॉन्च स्टीमर में घूमते रहे। ये चरित्र जो धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है
उनको अपने देखना चाहिए कि उनके समय में उन्होंने कितना गंदगी फैला के रखी हुई थी। और मुझे लगता है माननीय हेमंत जी के आने के बाद उन सभी चीजों को सुधार करने में हम लोग को जो है बहुत मुश्किल लग रहा है। एक व्यवसायी की बात की जा रही है पाकुड़ के शंभू भगत की, पहले केस की, अब उनका रिकॉर्ड भी देख लिया जाए, उनपे 12 एक दर्जन केसेस आपके साहेबगंज पाकुड़ में हैं। 91 में वो बिजली चोरी के लिए जेल गए, 92-93 में भी जेल गए, और 22-5-2003 में जब झारखंड अलग होने के बाद अवैध दारू के फैक्ट्री केस में भी वो जेल गए। 2005 में वो बीएसपी से चुनाव भी लड़े, हारे, और उसके पास अभी वर्तमान में वो बीजेपी के सदस्य हैं। जो भी आंकड़े दिए गए हैं अकाउंट्स में, मुझे लगता है कि वो डबल डिजिट्स में हैं। और अगर बीजेपी के स्टेट यूपी का हम पुराना जिक्र करेंगे तो 300 करोड़ एक बीजेपी से संबंधित व्यक्ति के पास पाया जाता है और उसके बाद उसका कोई जिक्र नहीं होता है। आज महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन में करोड़ों रुपयों में नेताओं को खरीदा गया, तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है कि सरकार किस तरह से हम जहां पे ओपोजिशन की है उसको ध्वस्त करें। लगातार 3 महीने के कार्रवाई के बाद जो भी रकम आ रही है ये जांच का भी विषय है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से किसी तरह से इसे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और चेहरे को धूमिल करने की प्रयास की जा रही है। लेकिन पुराना रिकॉर्ड जितना अभी हम बताए, मुझे लगता है कि बीजेपी का शासन पूर्ण रूपेण कुशासन रहा है। और गुंडों को पालने का काम बीजेपी सरकार अपने समय में की, राजस्व का नुकसान करवाया। आज जिस तरह से एक बड़े कार्यक्रम के तहत नियुक्तियां हुई, पत्र बांटे गए, मुझे लगता है कि हम काम करने में पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हेमंत सोरेन जी का लक्ष्य है। जिस मैंडेट के साथ हमें आज यहां बैठाया गया है, हम जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन यह भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जहां आपकी सरकार नहीं है आप ईडी जैसे संस्थान का इस्तेमाल, मुझे लगता है निजी कार्यकर्ता के रूप में, आज बीजेपी के एजेंट और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में इन सब एजेंसी काम करने लगी है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां डिस्टर्ब किया जाए, किस तरह से वहां को सरकार को गिराया जाए। लेकिन यह सरकार हिलने वाली नहीं है और ना हेमंत सोरेन जी हिलने वाले हैं। और सीधे तौर पे हमारा जो मैंडेट हमें मिला है, आज जिस तरह से लगातार हेमंत जी एक के बाद एक योजनाएं निकाल रहे हैं और उसमें रोजगार के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं, हमारे युवाओं को जोड़ रहे हैं, जेपीएसएस कॉन्डक्ट हो रहे हैं लगातार, मुझे लगता है कि हमारा कार्य जो है वो जनता को दिख रहा है और इससे बीजेपी परेशान है और वो परेशान ही रहेंगी, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह से काम करते रहेंगे जनता के लिए। और चाहे वो कितने भी अपनी एजेंसीज लगा ले, हम उसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम लोग मजबूती से अपना डटकर काम करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। एक बड़ा रोचक किस्सा से भी आप लोग इतने दिनों में वाकिफ हुए। ईडी यहां पर आई मनरेगा घोटाले में, किसी भी वीडियो को तलब नहीं किया गया। तलब कौन किए गए? डीएमओ
मनरेगा चल गया डीएमओ के पास, केस उठाया साहेबगंज का किस चीज का, तो वो ठेकेदारी का। मतलब चले कहीं से थे, क्योंकि पहुंचने का लक्ष्य तो एक है, इसलिए जो भी रास्ते मिले वो एथिकल हो या ना हो उन रास्तों का इस्तेमाल करना है। हमने एक बार आप लोगों को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को कहते हैं कि जहां हम चुनाव जीतते हैं वहां सरकार बनाते हैं, और हम जहां चुनाव नहीं जीतते हैं वहां सरकार जरूर बनाते हैं। लेकिन यह मंसूबा झारखंड में कामयाब नहीं होगा, यह महाराष्ट्र नहीं है, यह संघर्ष का भूमि है, यह राज्य खैरात में नहीं लिया गया है। और मैं ये पूरी तरह से कह सकता हूं कि आज राष्ट्रपति पद के लिए यदि आप आदिवासी महिला उम्मीदवार के नाम पर यदि लोगों से अपील कर रहे हैं, तो किस नैतिकता के आधार पर एक लोकतांत्रिक ढंग से चुना हुआ आदिवासी प्रतिनिधि को आप हैरस करना चाहते हैं? ये गंभीर विषय है। हम लोग यही चीजें रुकेंगी नहीं, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग न्यायालय का भी सहारा लेंगे, सड़क से लेकर संसद तक यहां की सारी परिस्थितियों को उठाने का काम हमारे सांसद महोदय भी करेंगे, और हम बार बार आप लोगों के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि पंकज मिश्रा एंड एसोसिएट्स को भी उतना ही प्रमुखता से स्थान दी जाए। नहीं तो ये जो टारगेट हो रहा है कि एक व्यक्तित्व को धूमिल किया जाए, वो लोकतंत्र के लिए सही प्रवृत्ति नहीं है। आज इतना ही कहना था, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।